नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। खरमास क्या है? आदरणीय दर्शकों, खरमास का संबंध ग्रहों के राजा सूर्यदेव तथा ग्रहों एवं देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों से है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सूर्यदेव निरंतर गतिशील रहते हैं। यदि सूर्यदेव स्थिर हो जाएं तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह सदैव गतिशील रहते हुए गोचर काल में जब सूर्यदेव बृहस्पति की राशियों धनु एवं मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो यह कालखंड खरमास कहलाता है। इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं वह दिसंबर जनवरी का महीना होता है, और जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं वह मार्च अप्रैल का महीना होता है। इस तरह से वर्ष में दो बार खरमास का महीना आता है।